मझुआ क्षेत्र में लगातार कई जगहों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्रों में अवैध उत्खनन किया जा रहा है जो राम पथ गमन मार्ग अर्थात चित्रकूट के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक तरफ भाजपा सरकार अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनवाने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ राम के वनवास काल के काटे गए 11.5 वर्ष के समय के प्राचीन अवशेषों को नष्ट करवा रही है। चाहे वो सरभंगा आश्रम, सिद्धा पहाड़ हो या फिर ग्राम पंचायत देवरा का बरुई पहाड़, इन सभी जगहों पर खनन माफिया अशोक बंसल द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। वहीं खनिज विभाग को सारी जानकारी होने के बाद भी खनिज विभाग कार्यवाही न करके अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहा है। जानकारों की माने तो अशोक बंसल ग्राम पंचायत देवरा की बरुई पहाड़ में खनन कर रहा है, जबकि खनन की लीज किसी दूसरे पहाड़ की है। बरुई पहाड़ में लैटराइट बॉक्साइट की भरपूर मात्रा है, जिसके कारण अन्यत्र जगह की लीज पर बरुई पहाड़ को निशाना बनाया जा रहा है। बीते कल में अशोक बंसल की एक जेसीबी को मझुआ तहसीलदार ने अवैध उत्खनन करते पाया था, जिसके बाद जेसीबी मशीन जब्त कर थाने में खड़ी करवा दी गई। लेकिन लोकल नेताओं की मिलीभगत से अशोक बंसल तमाम क्षेत्रों में अवैध उत्खनन कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन अशोक बंसल की अवैध खदानों और अवैध भंडारण के नाम पर धार्मिक क्षति के साथ साथ प्राकृतिक संपदा के दोहन पर कब रोक लगाएगा और खनन माफिया अशोक बंसल पर कब नकेल कसेगा। ये पर्यावरण खत्म करने की चाल है कि सेठ जो है तो ये सब पैसा खिला के जितने हमारे यहाँ जंगल में पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ कटा दिए गए, ना तो एक पेड़ लगा है, ना पब्लिक को पानी है पीने के लिए। अब इतनी इतनी ऊंची खदान लगा दी है कि अगर जरा सा भी वो गिरने पाए तो जनता दबती है। एक दो केस हो गए हैं, यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, और मैं कई बार शिकायत करता CM हेल्पलाइन में, फिर भी नहीं सुन रहे। तो ये खनिज विभाग और ये सेठ मिल करके और यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही, तो सरकार से मेरी अपील है कि इसको पूर्णतः बंद किया जाए, जितना शीघ्र से शीघ्र जल्दी हो सके उतना बंद किया जाए। अब मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, मैं 20 बार इनको बोल चुका पेड़ लगवाओ, यहाँ पानी के लिए सुविधा करो, तो मेरी बात अगर नहीं मान रहे तो ये किसकी मानेंगे। बोलते जो करना है करो, हमारा इसी तरह चलेगा। यहाँ सुविधा नहीं है, टोटल जंगल हमारा नष्ट हो गया, पर्यावरण को इतना नुकसान, इतना धूल खेती में जाता है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं सर, तो इसको पूर्णतः बंद किया जाए। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, कलेक्टर साहब से, कि इसको बंद किया जाए।